हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक टू टेगेनर्स अगेन और आज बेसिकली uh, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी ये चलता आ रहा है कि फेब मार्च अप्रैल में काफ़ी टफ महीने थे ठीक है मतलब काफ़ी टाइम के बाद ऐसे महीने देखने को मिले हैं जहाँ पर ना डायरेक्शनल uh, चीज़ें बिल्कुल नहीं चल रही डायरेक्शनल मतलब मार्केट अपनी कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है डायरेक्शन मतलब ट्रेंड फॉलोइंग बेसिकली जैसे ट्रेंड फॉलोइंग में हम हमेशा देखो क्या रीड करते हैं कि हायर हाई हायर लो ऐसा सब रीड करते हैं ना तो वो रीडिंग का एक कोई पर्पज ही नहीं रह गया बेसिकली आप बोलो तो अप्रैल और मई में, में तो बिल्कुल नहीं मार्च के मिड से भी ये देखने को मिला है कि मार्च के मिड के बाद भी ऐसा ही सिस्टम रहा बट मार्च भी कंसिडरेबल ओके okay था ओके ओके मंथ था बट अप्रैल में वॉज वेरी टफ अब ये सब सिर्फ सुनने में आ रहा है बट ये ऐसा क्यों है ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ये ऐसा है क्यों ठीक है तो हम पहले ये देखते हैं कि अप्रैल में कैसा था फिर मैं उसके बाद आपको पी दिखाता हूँ अपना कि अप्रैल और मई मंथ में कैसा था मैंने ऑफकोर्स ट्रेडिंग थोड़ी कम की बहुत सारी चीज़ें हुई ठीक है तो अप्रैल और मे मंथ में, में पीएनएल कैसा था और हम इसको किस तरीके से सोच रहे हैं और कैसा रहेगा आगे साइकिल कैसा जाने वाला है कैसा नहीं है सब कुछ यहां पे करेंगे अपन लोग ठीक है देखो सबसे पहले एक चीज सुन लो कि इन मंथ ने अप्रैल और मे मंथ और मार्च के मिड ने मिला के कई लोगों को अपनी चीजों पे सोचने पे मजबूर किया जैसे कि वो कोई सेटअप फॉलो करते थे उसको चेंज किया और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए या फिर वो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मेन जो उनका स्ट्रेंथ था उसको छोड़ के किसी और पे जाना पड़ा उन्हें मतलब मार्केट ने उन्हें हिलने पे मजबूर कर दिया अपनी कुर्सी से ठीक है जैसे कि मैं मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि जो ये अप्रैल में था यहाँ पे जो इंटरडे के सिस्टम्स थे डायरेक्शनल वाले देखो जो नॉन डायरेक्शनल थे वो भी इंटरडे में नहीं चल पा रहे थे क्योंकि डिके ओवरनाइट में हो जाता था ठीक है और जो इंटरडे में आए उसमें प्रीमियम कम है मार्केट जरा सा मूव किया नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल सिस्टम में हिट हुआ यू आर गॉन के लिए मार्केट गोइंग अप 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 आपने एक ट्रेड ली और मार्केट वहां से आप कैसे हिट उसके बाद आप सोच नहीं पा रहे हो कि दिन में मैं क्या करूं क्या नहीं करूं तो बेसिकली मेरा जो इंटरडे सिस्टम था वो भी यहां पे फेल हो गया ठीक है अब जिस चीज के लिए हम सब लोग मतलब बेसिकली मैं जाना जाता था कैलेंडर्स के लिए वो मैंने एट्टीन वीक्स के ऊपर करना बंद कर दिया था जो कि उस टाइम पे एक साल दो साल पहले ऐसा था कि आ, फिक्स था कि अठारह के ऊपर विक्स थोड़ा हाई मानी जाती है ठीक है और मैंने उसी वजह से उसको छोड़ दिया करना और मैं आयरन फ्लाई और थोड़ा इंटरडे पे फोकस्ड हो गया ठीक है उसने मार्च तक बराबर काम भी किया बट मार्च मिड मार्च के बाद थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफें आई मिड मार्च भी नहीं आप अप्रैल समझो और अप्रैल से क्यों तकलीफ मैं वो समझाता हूँ तो तो जब 18 के ऊपर कैलेंडर्स नहीं करता था एटीन वीक्स के ऊपर तो अब क्यों देखो मैंने आ, काफी टेस्टिंग की काफी टाइम मुझे ऐसा लगा कि जो एट्टीन वीक्स जो मैं पहले कंसिडर कर रहा था कि वो एटीन वीक्स के ऊपर काफी हाई विक्स मानी जाती है फियर ज्यादा है ये वो मैंने उसको देखा कि अगर मैं उसको 22 और 24 के बीच में भी कर रहा हूँ इवन 22 बेसिकली अगर समझो 22 के पास भी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो हाई हाईविक्स है मुझे लगता है कि वो न्यू नॉर्मल में कंसिडर हो गई है और कैलेंडर्स उसमें ठीक ठाक काम कर रहे हैं कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरी ट्रेड्स में और मैंने उनको जिस महीने से करना बंद किया था उस महीने से बैक टेस्टिंग की और देखा कि इट वॉज़ ओके मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं थी तो मैंने इसीलिए इस महीने मैंने फिर से कैलेंडर डाला और आप सब लोग यहाँ देख रहे हो मैं यहाँ पे कैलेंडर की ट्रेड की जिस दिन से डाला है उसी दिन से आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है एक ही एडजस्टमेंट हुई है ये देखो यहाँ पे मैंने कैलेंडर की जो ट्रेड थी मंथली वाली उसका एक वीडियो भी बनाया था मैंने वीडियो शेयर किया था ये यहाँ पे देखो मंथली ट्रेड करके आप उसको देख सकते हो तो ये है बेसिकली क्रिएशन ऑफ द स्ट्रेटजी ठीक है और मैं मंथली कैलेंडर्स क्यों कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि जो वीकली कैलेंडर्स है ना वो बेसिकली इंटर की तरह वर्क कर रहे हैं उसमें ना बहुत जल्दी रिएक्शन टाइम है और जिसकी वजह से ना हमें प्रॉब्लम हो रही है ठीक है तो इसी वजह से मैंने उसको मंथली में कन्वर्ट किया इवन जैसे कुछ लोग जिन लोगों को मैं इंटरडे कराता हूं जो लोग मेरे पास थोड़ा सा करने के लिए आते हैं साथ में हम करते हैं उन्हें भी मैंने मंथली ट्रेड्स में मंथली कैलेंडर्स में शिफ्ट कर दिया ठीक है तो क्या होता है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अपना कैपिटल बचाओगे अगर मैं इंटरडे में रोज तीन हजार रुपये खूँ और उसके बाद बोलूँ कि नहीं मैं तो अपने सेटअप पे ही काम करता रहूँगा और आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो आपको पता है कि कोई चीज़ें चेंज की जा सकती हैं तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है तो मैंने उन्हें भी समझा के कि यही किया कि हम सब लोग मिलकर अभी के लिए अपना कैपिटल बचाते हैं और थोड़ा सा अर्न करके कॉन्फिडेंस गेन करते हैं ठीक है क्योंकि इंटरनेट सिस्टम फेल हो रहा है ठीक है तो इसीलिए हम कैलेंडर्स पर आए और कैलेंडर्स पर भी ट्रेडिंग चल रही है ठीक है तो कैलेंडर्स में मंथली कैलेंडर आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा मंथली कैलेंडर जो एनालाइज पर दिखाऊँगा मैं आपको ये देखो अभी ऑलमोस्ट सेंटर पे ये hmm. कोई खास अप साइड एंड डाउन साइड कोई रिस्क नहीं इतना भी अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो मैं हो सकता है पुट को ऊपर लाके फिर कॉल को आगे बढ़ा दूं तो रेंज को मैं इंक्रीज और डिक्रीज करता रहूंगा ये फिक्स बिल्कुल ग्राफ नहीं है इसको मैं इंक्रीज करूंगा और इसके सारे एडजस्टमेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे इस वक्त अभी आ, लगभग फिफ्टी एट थाउजेंड के प्रॉफिट पे चल रही है जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया होगा ठीक है और इसमें देखो यहाँ पे हमने कई बार जो ट्रेड्स चल रही हैं उसमें हमने थर्टीन के के आसपास बुक कर रखा है एडजस्टमेंट एक ही हुई है अभी तक उस एडजस्टमेंट में हमने थर्टीन के बुक किए थे और फिर मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर जाके अभी तक फिफ्टी के दे चुकी है ठीक है तो यहाँ पर सारी ट्रेड आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगी तो जो लोग अभी टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं बट वहां आपको मंथली की पैसिव इनकम टाइप की ट्रेड्स मिलेंगी जो लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखा सकते हैं जिनको इंटरडे का इतना खुजली नहीं है वो लोग ये ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं और उनको आराम से सब कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है ओके okay. तो पहले ये समझ लो कि ये दोनों मंथ बराबर बेकार क्यों थे ठीक है ट्रेंड बेकार होने का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे देखो ये अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ है ये पहला दिन है पहले दिन में आपको देखने को मिल रहा है बड़ी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल फिर बड़ी रेड कैंडल फिर नीचे पूरा साइडवेज सीधा गैप डाउन ठीक है फिर दो बड़ी रेड कैंडल अब देखो जब बड़ी रेड कैंडल आती है ना तो हम सोचते हैं मार्केट यहाँ से ऐसे जानी चाहिए बट मार्केट कभी भी ऐसे ना जाके हमेशा वो सेवेंटी एट्टी परसेंट रिट्रेस कर जाती है ऊपर की तरफ और फिर गिर जाती है तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट लालच दे रही है बुल्स को भी एंड नीचे की तरफ बार बार गिर के बियर्स को भी तो बेसिकली जो ट्रेंड फॉलोअर है ट्रेंड फॉलोअर मतलब जो लोग एक साइड को ट्रेडिंग करते हैं मतलब वो लोग डेल्टा का भी फायदा उठाते हैं थीटा का भी फायदा उठाते हैं जो लोग एक साइड को ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ मार्केट ने क्रिएट की क्योंकि मार्केट क्या करता था देखो इन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा तब आपको थोड़ा समझ आएगा ये देखो मार्केट यहां पे अटकी हुई थी यहां से ऊपर की तरफ गई ठीक है मैं भी यही सोचूंगा कि अब शायद मार्केट ऐसे जाएगी ठीक है एज पर प्राइस एक्शन की बात चल रही है बट मार्केट ने सीधा गैप डाउन ओपन किया और मार्केट जाके बहुत नीचे यहाँ लोअर एंड पे क्या कर गई लोअर एंड पे आके उसने आ, अपना क्लोज दे दिया उसके बाद मार्केट नीचे ओपन हुई तो सब लोग लगे पड़े हैं कि अब तो यहाँ से नीचे जानी चाहिए बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर गई उसके बाद सीधा गैप अप खुल गई फिर से कहाँ पहुँच गई उसी एरिया में कहाँ पे सेम एरिया में मार्केट पहुँच गई अगेन मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया अगेन मार्केट ने कैपडाउन ओपन किया और फिर से ऊपर पहुंच गई इस एरिया में इस बार मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी एक घंटे की कैंडल पे फिर से बुल्स आ गए मार्केट ने फिर बुल्स को पछेड़ के फिर से नीचे तक ले आए ठीक है तो फेक ब्रेकआउट्स टाइप की चीजें अप्रैल में बहुत ज्यादा हुई उसके बाद मार्केट ने फिर से यह ब्रेकडाउन दिया फिर दोबारा ब्रेकडाउन दिया यहां पर कंफर्मेशन हुआ थर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड के नीचे कि हाँ अब मार्केट नीचे को जाने लगा है ठीक है तो थोड़ा सा जो क्लियर ट्रेड्स आई इस लेवल के बाद आई ठीक है बट मार्केट ने इसमें भी ट्रेड नहीं करने दिया आप यहां पे देखोगे यहां पे फिर से आपको सेम चीज देखने को मिलेगी सिनेरियो कि तीन बार ट्राईिंग डाउन साइड में फिर से आया फिर से पूरा ऊपर तक चला गया फिर पूरा नीचे तक फिर पूरा ऊपर तक ठीक है तो यहां पे ये चीज देखने को मिल रही है कि मार्केट ना फुल फ्लैश्ड मूव कर रहा है मार्केट ना ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा तो इस इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हुई सबको और जो ट्रेंड फॉलोवर है इवन वीकली मान लो मंथली मान लो या फिर इंटरडे में मान लो सबको तकलीफ हुई अभी दो दो दिन पहले ही मार्केट ने ये एक ठीक ठाक ब्रेकआउट दिया है जो वो सस्टेन कर गया है दो दिन तक तो यहाँ पे मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने पैसे कमाए होंगे इस इस चीज़ में ठीक है और जो लोग इसको भी नहीं पकड़ पाए हैं तो फिर इस वजह से भी हो सकता है कि आपको डर था कि पहले की तरह होगा जैसे पहले भी मार्केट ऐसे ब्रेकआउट दे चुका है थोड़े थोड़े बट अगले दिन नीचे खुल जाता है ऐसे ब्रेकआउट दे चुका है अगले दिन नीचे चल जाता है तो आपको शायद इस डर की वजह से आपने ये भी ना पकड़ा हो और आपसे ये मिस हो गया हो ठीक है तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बट मार्केट ने थोड़ा सा यहां पे स्ट्रेंथ दिखाई है इस लेवल पे जो आखिरी के दिन चल रहे हैं ठीक है बट अप्रैल और मे की एक्सपायरी एंड हो चुकी है इस एक्सपायरी में मैं अपना बता देता हूं मैंने इसमें जितना भी किया पूरा बचाने का ट्राई किया कितना बच सकते हैं कितना बच सकते हैं बार बार बारेट होना बहुत बार ऐसे लेट हुआ है। बहुत बार बार हुआ ठीक है तो अभी हम थोड़ा पोजिशन में चलते हैं ये ये बेसिकली कैलेंडर की ये, देखो यहां पे पोजिशन और एक मेरे पास बहुत ज्यादा इन द मनी का पुट सेल है बहुत ही ज्यादा इन द मनी का पुट सेल मतलब सेकंड जून का थर्टी सिक्स थाउजेंड का पुट सेल है जो मैंने न सौ रुपए के आसपास बेचा है तीन सौ क्वांटिटी और अभी इतना चल रहा है ठीक है जस्ट बिकॉज मैंने यहीं पर बेचा होगा ऑफकोर्स बात है ये वाले जो ब्रेकआउट है इसमें बहुत ही ज़्यादा इन द मनी में बेचा ठीक है थीके? ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे नहीं दी क्योंकि इन द मनी बेचना अभी आपके लिए सेफ़ नहीं है ठीक है इन द मनी की ट्रेड्स आप अभी मत करो ठीक है ये मैंने इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट था और क्या? इसी कैंडल ने मुझे इतना रिवॉर्ड दे दिया था कि मैं उसी रिवॉर्ड को रिस्क करने को रेडी हूँ ठीक है तो अभी कैलेंडर की ट्रेड्स चल रही हैं मंथली की उसके अलावा सिर्फ मैं थर्सडे के दिन ट्राई करूंगा ट्रेड करना वरना इंट्राडे अभी मैंने बंद कर रखा है तो अभी हम चलते हैं एनालिटिक्स में और हम अप्रैल और मई मंथ को क्या हमने उखाड़ा है अभी तक ये देखते हैं ठीक है ये ये अप्रैल और मई मंथ है अपना ठीक है अप्रैल और मई मंथ में आपको देखने को क्या मिल रहा है मिक्सचर ऑफ क्या देखने को मिल रहा है मिक्सचर ऑफ रेड एंड ग्रीन अभी मैं समझाऊंगा इसमें एक दो तीन रेड ऐसे हैं जो

बयालीस दिनों की ट्रेडिंग के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हूँ मैं ठीक है मुझे बिल्कुल इसमें वो महसूस नहीं हो रहा है छोटा कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हूँ बस मैंने इतना ट्राई किया कि मैं अपने कैपिटल को बचा सकूँ ठीक है मार्केट ने जब भी कुछ धोखाधड़ी की आपने देखा होगा मैंने फटाक से लॉस बुक किया एक वीकली ट्रेड थी पिछले अभी आ, कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम पर आपने देखा होगा वीकली ट्रेड थी उसमें मुझे दो का लॉस हो रहा था मैंने उसको फटाक से बुक किया था ये रहा देखो इक्कीस का लॉस मैंने एक लास्ट के मंथ की मतलब मे ट्वेंटी सिक्स की ट्रेड डाली थी वीकली में फटाक से उसमें अगले ही दिन इक्कीस हज़ार का लॉस हुआ मैंने फटाक से बुक किया उसको ठीक है ढाई परसेंट का लॉस था कोई दिक्कत नहीं थी मैंने बुक कर लिया तो इससे क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा अपने आप को बचा ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैं आपको और कुछ चीज़ें इनसाइड बताता हूँ ठीक है ये तो हमें पता चल गया कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं बेसिकली और कुछ ना गया है खास ना कुछ आया है खास दोनों महीने एकदम बर्बाद नहीं बोल सकता बर्बाद तब होता जब मैं इसमें बहुत बड़ा लॉस कर देता ठीक है अब बस आप लोग इसमें यहां पे नोटिस करो एक चीज ये ये है थर्सडे ये ओनली थर्सडे है कि अगर मैं इस पूरे महीने में सिर्फ थर्सडे के दिन ट्रेडिंग करता सिर्फ थर्सडे के दिन ट्रेडिंग करता तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट हमने सेवन लैक्स का प्रॉफिट किया होता अगर मैं सिर्फ थर्सडे के दिन ट्रेडिंग करता आपको दिखाई दे रहा होगा एक भी थर्सडे ऐसा नहीं है जो हो तो इससे एक चीज निकल के बाहर आई कि अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो थर्सडेज थोड़ा सा बेटर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें वहां पे ना एक सर्टेनटी है कि मार्केट वहां पे क्या करेगा आउट 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 ऑफ द मनी वाले जितने भी ऑप्शन है उनको जीरो कर देगा तो जब हम उन्हें ट्रेड कर रहे हैं और उस दिन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है तो यही होता है जब एक वॉल्टाइल मार्केट होता है इवन आप ट्वेंटी uh, uh, का जो मार्केट था जब मार्केट में वॉल्टिलिटी बहुत हाई थी तो जो प्रीमियम्स थे वो थर्सडे के दिन बहुत अच्छे थे तो वहां पे भी कई लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था तो उसी तरीके से पूरे महीने वॉल्टिलिटी है पूरे महीने ठीक है आप लेकिन अगर सिर्फ थर्सडे को गिनो अगर, अगर थर्सडे को ही ट्रेडिंग करते तो आपने दोनों महीने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होता कुछ नहीं तो आठ दस बीस परसेंट कहीं नहीं गए थे ठीक है बट ऐसा होता नहीं है हम ऐसे जस्ट तो नहीं कर सकते कि चलो ओनली थर्सडे ट्रेड करते हैं अप्रैल मंथ महीने में और मे मंथ महीने में ऐसा नहीं होता ना तो वैसे ही आप डिसाइड नहीं कर सकते बट मैं आपको बता रहा ये आपकी आंखों के सामने है कि थर्सडे में कोई लॉस नहीं है ठीक है ठीक तो इससे पता लगा कि पिछले दो महीने थर्सडे के दिन काफी आसान बने थे ठीक है यहाँ पे मेरे दो लॉस हैं ये जो तीन लॉस है लगातार यहाँ पे देखो सत्तर हजार एक साठ और अस्सी ये जो तीनों लॉस हैं ये मैंने एक अपनी एल्गो बनवाई थी ठीक है वो एल्गो बेसिकली फ्यूचर के लिए डिफाइंड थी फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए उस एल्गो में थोड़ा सा कुछ ग्लिच हो गया और फ्यूचर में आप जानते हो फ्यूचर के ट्रेड में अगर ग्लिच हुआ है तो समझ लो कि आपका एक परमानेंट लॉस होने वाला है ठीक है तो ये तीन दिन का परमानेंट लॉस मुझे झेलना पड़ा उस फ्यूचर के एल्गो की वजह से और बेसिकली मैं आपको समझाऊँ उसमें एक एस का पंगा था ठीक है वो एस सही से नहीं लगा और तीनों दिन की टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगभग ढाई लाख रुपये का लॉस हुआ ये ढाई लाख अगर मैंने टेस्टिंग इस अकाउंट की जगह एक छोटे अकाउंट में कर दी होती पैसे छोटे में भी करता तो लॉस तो होना ही था बट कर दी होती तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ ये यह ढाई लाख रुपए बचा लिए होते जो कि यहाँ एडेड होते ठीक है तो ये भी एक थोड़ी सी बुरी बात थी ठीक है तो ये तीन चीजें जो एल्गो की एक एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम की वजह से हुई यहाँ पे, इन्हें मैंने फिर ऑप्शन सेलिंग से ही कवर किया लगातार फटाफट फटाफट फटा 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 आपको देखने को मिलेगा तो ओवरऑल मैं मानूँ तो अप्रैल मे एंड लास्ट के कुछ महीने ये थोड़ा सा इस तरीके के थे कि जो लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखा सकते थे जिन लोगों का रूल फिक्स था कि मुझे इतना ही खोना है मुझे जैसे दो परसेंट लॉस दिखता है तो मैं फिर ट्रेड को काटने में बिलीव रखता हूँ चाहे फिर मार्केट पलट आए तो उसी तरीके से ट्रेड को काट काट के काट काट के हमने दो महीने अपने काट दिए हैं यहाँ पे ठीक है और दो महीने काटने के बाद यहाँ पे कॉस्ट टू तो कॉस्ट में खड़े हुए हैं और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वापस से जब अपने कैलेंडर्स को शुरू किया है अभी उसमें वन लैक अनरियलाइज चल रहा है इसी पीरियड में ठीक है अभी उसमें और भी प्रॉफिट बचा हुआ है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हाईएस्ट प्रॉफिट 2.36 पॉइंट थ्री सिक्स लैक्स है मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ डिक्रीज भी कर सकता हूँ ठीक है जैसे मेरे पास पुट साइड में काफी ज्यादा रेंज बची है मैं पुट्स भी बेच सकता हूँ बट मुझे अभी कोई नीड नहीं है ठीक है तो हम इसमें ऑलरेडी तीन परसेंट के आसपास कमा रहे हैं एज पर मार्जिन एज पर कैपिटल देखा जाए तो कैपिटल के हिसाब से हम इसमें दो परसेंट कमा रहे हैं तो मैं कैपिटल के तीन परसेंट आने पे ये मंथली ट्रेड काट दूंगा और ओनली एक्सपायरीज को ट्रेड करूंगा जो कि मैंने कहाँ से सोच के निकाला है यहाँ से सोच के निकाला है जब मुझे दिख रहा है कि ओनली एक्सपायरीज बेटर है तो मैं क्या करूंगा? मैंने इंट्राडे में एक्सपायरीज को चुन लिया है कि मैं ओनली एक्सपायरीज को ट्रेड करूंगा और एक मंथली कैलेंडर हमेशा डला रहेगा मेरे पास ठीक है मंथली कैलेंडर से मैं तीन परसेंट का मंथली टारगेट करना चाहता हूं और जो मेरा एक्सपायरी डे है अगर वो मुझे वन परसेंट पर एक्सपायरी भी देगा तो चार परसेंट पर एक्सपायरी हो आ, पर मंथ हो गए तो चार और तीन सात परसेंट का टारगेट है आई डोंट नो ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा किसी के लिए बहुत कम होगा बट मेरे लिए ये बहुत ज्यादा वाली साइड में आता है ठीक है क्योंकि मेरे लिए चार परसेंट बहुत है सात परसेंट अगर आगे गलती से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ठीक है जरूरी नहीं मैं हर एक्सपायरी में सक्सेसफुल रहूँगा तो मे बी एक एक्सपायरी फेल हो जाएगी दो एक्सपायरी फेल हो जाएंगी तो अल्टीमेटली वो एवरेज चार ही बनता है तो ये प्लान है मेरा बेसिकली कि मैं ऐसे ही कैलेंडर को मंथली में चलने दूँ ढाई तीन परसेंट उससे लूँ और एक्सपायरीज को ट्रेड करूँ खाली दैट्स इट उसके अलावा कोई भी दिन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपने यहाँ पे टेलीग्राम पे देखा होगा आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि मैं यहाँ पे कोई डे में कुछ भी चेंजेस कर रहा हूं सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं कैलेंडर को ट्रेड करता जा रहा हूँ कैलेंडर ऑलमोस्ट फिफ्टी एट के प्रॉफिट तक पहुंच गया है ठीक है अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर खुली या गैप अप हुआ कुछ कल के दिन तो मैं क्या करूंगा मैं सिंपली इस एरिया को आगे की तरफ बढ़ा दूंगा तो टू एच के पार भी चला जाएगा आज के हिसाब से ठीक है ओके इसके अलावा अभी के लिए कुछ नहीं है ठीक है मैं टेलीग्राम पे आपको यहाँ पे इसके अपडेट मिलते रहेंगे मंथली के और मैं हर मंथली ट्रेड यहाँ पे डालूंगा ट्राई करूंगा कि एक्सपायरी के ट्रेड कभी डालने का मौका मिले बट एक्सपायरीज इतनी सिंपल नहीं है कि मैं जस्ट ट्रेड दे सकूँ कि सेल दिस से एंड इट विल गो टू ज़ीरो जब सब इतने सारे लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर कई सारी जब ओ क्रिएट होती है तो वो फिर फंस भी जाते हैं सारे तो एक तरीके से आप एक्सपायरीज को ऐसे कॉल बेसिस पर ट्रेड नहीं कर सकते ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ठीक है और इतना ही समझ लो कि अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी हो तब भी बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने कमाया तब भी बहुत अच्छी बात है अगर आपने गवाया है बट वो आपकी लिमिट के अंदर है इन दोनों महीनों में लिमिट के अंदर समझ लो लिमिट मतलब दो महीने का गवाना मेरे हिसाब से समझ लो पाँच परसेंट अगर आपने पाँच परसेंट या छः परसेंट ही गवाया है आ, इन दोनों महीनों को मिला के तब भी आपने समझ लो बहुत अच्छा काम कर लिया बट आपने अगर अपने कैपिटल को आधा कर दिया है तो समझ लेना आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है यहाँ पे ठीक है चलो टाटा बाय बाय